भारत के 36 राज्य में स्थित एक जिला जो पहली बार बाबरी मस्जिद का सच्चा प्रमाण देता है। इस छोटे से शहर के निर्माण में मुगलों का कितना स्थायी प्रभाव रहा था। इसके साथ ही इस जिले में प्रसिद्ध कल्कि विष्णु मंदिर भी है, जिसका कुछ राम मंदिर जैसा मोदी जी शिलान्यास करा रहे हैं। अब तो आप सह समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं संबल जिले की। अब बात करते हैं संबल के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। कुल जनसंख्या 21,99,774, साक्षरता 55%, लिंगानुपात 889। वहीं पर जनघनत्व की बात की जाए तो 900 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। इतना ही नहीं, जिले की घोषणा 28 सितंबर 2011 को की गई थी और राज्य सरकार ने 23 जुलाई 2012 को मुरादाबाद जिले से 3 नए जिलों के रूप में इसे भी बनाया था। इसके निर्माण के समय राज्य सरकार ने समाज सुधारक भीमराव अंबेडकर के सम्मान में नए जिले का नाम भीमनगर रखने का फैसला किया। हालांकि प्राचीन शहर का नाम बदलने के कदम के खिलाफ संबल शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर विरोध भी हुआ। संबल 500 से अधिक वर्षों से इसी नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन भारत में एक महत्वपूर्ण शहर था और इसका कभी भी दलित यानी कि भीमराव अंबेडकर से कोई संबंध नहीं रहा। विरोध सफल रहा और सरकार ने संबल का नाम बरकरार रखा। इसके साथ ही संबल जिला उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद मंडल का हिस्सा है। बहजोई शहर इसका मुख्यालय है। संबल से सटे जिले की बात की जाए तो अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, अलीगढ़ और बुलंदशहर शामिल हैं। सबसे निकटतम महानगर की बात की जाए तो वो देश की राजधानी नई दिल्ली ही है। संबल नई दिल्ली से 158 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जो कि गाजियाबाद, नोएडा और हापुड़ से आगे है। नई दिल्ली से ड्राइविंग का समय 2 घंटे 40 मिनट का लगता है। संबल राज्य की राजधानी लखनऊ से 355 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके साथ ही यहाँ पर मुख्य भाषा की बात की जाए तो हिंदी और उर्दू बड़े पैमाने पर बोली जाती है। दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम संबल के कुछ इम्पोर्टेंट जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है घंटाघर संबल। बिग बिन से लेकर मक्का घड़ी टावर तक प्रदर्शित करने का विजेता और एलिजाबेथ शैली हमेशा एक बहुत ही लोकप्रिय अवधारणा रही है। ऐसा ही एक टावर संबल में मौजूद है, जिसे कहा जाता है कि बहुत लंबे समय से ही अस्तित्व में रहा। ये इमारत के सभी 4 चेहरों पर घड़ी की मेजबानी के साथ एक लाल और सफ़ेद इमारत है। यद्यपि इसमें बहुत से बाहरी क्षति भी पहुंचाई गई है, टावर अभी भी एक महान वस्तुकला का उदाहरण देखने को मिलता है। अगला जो स्थान है, इसे माँ मनोकामना मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये संबल में बहुत लोकप्रिय मंदिर है। मनोकामना मंदिर समाधि या शेष बाबा राम मणि के अंतिम स्थान के नाम से जाना जाता है। बाबा राम मणि को स्थानीय लोगों द्वारा एक महान संत माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने कई बीमारियों का इलाज किया है और एक निस्वार्थ और अत्यंत दयालु जीवन जीते हैं। कई की उदंतियों में बाबा मणि से जुड़ी कहानियां हैं कि वो एक ही समय में 2 स्थान पर कैसे मौजूद हो पाते थे। कई लोग तो उन्हें भगवान के दूत होने का भी दावा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी उनके भक्तों में से एक को मदद की जरूरत होती थी और व्यापक रूप से एक साधु के रूप में पूजा की जाती थी और वहां पर वो मौजूद हो जाते थे। अब रोजाना सैकड़ों लोग प्रार्थनाओं की पेशकश करने के लिए वरदान मांगने की इच्छा से आसपास देखे जाते हैं। मंदिर परिसर में एक तालाब भी है, जो हनुमान जी, राम भगवान, सीता मंदिर, छोटे छोटे मंदिरों से ये इलाका घिरा हुआ है। इन सभी मंदिरों में एक समय में आप पहुंच सकते हैं। हर साल मंदिर में एक बड़ा भंडारा लगता है और ये भंडारा हर साल 8 जनवरी को आयोजित होता है। साथ ही भंडारे के अनुसार यात्रा की योजना भी बनाई जाती है।